घोसी विधानसभा का उपचुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग सुबह से लंबी लंबी कतारें लगाकर लाइन में लगे हुए हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज मौका मिला है अपने मत का प्रयोग करने का। वाला 5 साल में होला तो ठीक रहा, दोनों एक साथ हो के तो और बढ़िया रहा, पर अब तो जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया नेता। अरे कुछ दिन रुक गए होते तो फिर खड़े होते, तो जो कितना आधा से कम में समय बिताए हैं, 5 साल के या 1.5 साल। अब चीज सारी चीजें महंगाई बढ़ने का मतलब जनता से हम ही लोगों को देना है सबको किसी न किसी रूप में, यही बात। अब क्या करें, वोट दे। हाँ। अच्छा कैसा लगा देखे आवत, का उम्र हो जा आपको? अब है जा जवन देखा हुआ से लिख जाए तो कुल उम्र ये है। नहीं तो वोट दे, वोट देवे आई लोग, वोट देवे आई नहीं तो मिली का इनके अब मौका मिली फिर। अरे भैया लड़का ना रही है, तू ना रहा तो मिल ली तो आज वोट दे लू है। कैसा लगा था? कुल ठीक है, कुल ठीक है। तो विकास के देते हो कि विनाश के वोट दे लू? विकास के दे लू कि विनाश के? हम ना जाना था, दे दे लू है। वैसे दे लू कि कहीं दबोले वाले यार, वहाँ लोटा डोला ने दबा दे लू है। अरे भैया ये गुड़िया बनावा रे कि चिन्निक सथिया। अच्छा हां, तो फुलवा खिल्ली के सिखले भागी? हां फुलवा खिल्ली के सिखले भागी, सिखलिए भागी, हम सिखलिए काम कर सिखलिए भागी। तो आपने वोट दिया, कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा। कोई समस्या यहां नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने किसको वोट दिया, विनाश को या विकास के नाम? विकास के। विकास के नाम। विकास हो रहा है घोसी में, जो है वो सामने सबको दिख ही रहा है। दिख रहा है। इसके पहले भी जो 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, आप लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताया था, 1.5 साल बाद फिर दोबारा फिर चुनाव हो रहा है, तो कैसा नजरिया, किस नजरिए से देखते हैं? जो दिख रहा है वो सामने, अब हम क्या बताएं। 1.5 साल पहले तो हम दिए नहीं थे तब। अच्छा, मतलब पहली बार वोट देने? तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहली बार वोट देने आई हैं और पहले बार मतदान का आपको अनुभव मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है, जो दे रहे हैं देन। पहली बार आप वोट दे, कैसा आपको लग रहा है? ये अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है। भीड़ बिल्कुल होगी, जब किसी चीज़ की चाहत होती है तो आदमी इकट्ठा होते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो ये आवाम और जनता का इकट्ठा होना इस तरीके से, एक जो अपना हक है, जो अधिकार है, अधिकार जो हमारा वोट, तो उसका जो विनाश का जो शब्द, उस शब्द की जो खोज है, उस खोज को आप कर चुके हैं, वो खोज आप कर चुके हैं, वो जानते हैं कितना विनाश हो चुका है। आखिर पहले हुआ क्या करता था, अब हो क्या रहा है, किस तरीके से लोगों के हक को छीन कर उसको मिसमार किया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। और आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ी आप मेरे पास आए, आपका काम हुआ, उसके बाद आप मुझे किसी भी लम्हा देखना पसंद नहीं करते। आप आए, आपको वोटिंग चाहिए, आप विधायक उठे हैं, विधायक के पद पर आपने उठने के लिए कोशिश की और आपने उसके लिए टिकट लिया, फिर उसके बाद आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, सबके पास जाते हैं, भाई मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, आपकी जो परेशानी मैं हल करूँगा। जीतने के बाद 5 साल किसी के पता नहीं चलता। तो विकास का मुद्दा है, देखिए ये पिसता कौन है, गेहूँ के साथ घून पिसता है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग ये कह के जाते हैं कि आप हमें जिताइए, आपका फला काम हम करते हैं, वो क्या करते हैं, जीतने के बाद हमारी बात तो सुनना दूर की बात, अपनी शक्ल तक वो हम तो हमको नहीं दिखाते। हमारी मजबूरी है और इस अधिकार को हमको पूरा करना भी है, इस अधिकार को पूरा ना करना होता तो हम वोट देने भी ना आते। जो हाल इस तरीके से बना रखा है, इस ये जो धरती पे इतना विनाश जो है, ये लोगों की अपनी कमी की वजह से है। लोगों वालेकुम, लोगों का हक़ मारना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना, जो जिसका हक़ है उसको उसका हक़ न देना। आप जैसे मान लीजिए घोसी में न तो एक कायदे का खेल का मैदान है, नहीं बेहतरीन कोई ऐसा पार्क है कि सुबह का टाइम आदमी निकले घर से और जाके पार्क में बैठ के अच्छी हवा फिज़ा लेकर अपनी ज़िंदगी को ताज़ा करे, वो नहीं है। और नहीं एजुकेशन लेवल है, न कोई मेडिकल कॉलेज है, नहीं कोई फार्मेसी ऐसा कॉलेज है जिसमें जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा के उनको तालीम दी जाए। तो ये हमारी एक गुहार है, किससे, उनसे जो विधायक उठ रहे हैं, उनसे इसी तरीके से जो काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं इस धरती पर, इस कस्बे की सरजमीन पर, घोसी की सरजमीन पर, उनसे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर जीत जाएँ
तो जीतने के बाद जो हमारी परेशानी है उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन हम आपका साथ कब देंगे, जबकि आप हमारे साथ होंगे। आप मेरे साथ नहीं होंगे तो हरगिज़ आपको आइंदा मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आए और अपना चेहरा दिखाया और अपना अधिकार मांग के, मतलब कि रो रो के दामन फैला के लोगों तक पहुँचे और पहुँच कर जीत हासिल कर ली। उसके बाद इस तरीके से वो पलटते हैं जिसकी वजह से परिणाम घोसी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तकरीबन 3 या 4 साल से 5 साल से ऐसा हो रहा है, 6 साल से ये चौथा चुनाव है, उपचुनाव। बताइए, हद है, ये हद है। ये आवाम के पैसे के साथ ये खिलवाड़ है, ये तमाशा हो रहा है। गरीब मेहनत करके मुजाहदा करके एक एक रुपये अपने घर तक लाता है, लेकिन ये जितने लोग हैं जो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही बनाने के लिए लोगों के गर्दन पर कदम रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ना करें। अगर आपको 5 साल का अधिकार मिला है तो 5 साल बहुसने खूबी निभाएं, लोगों के साथ मिलें, लोगों की परेशानियों को सुनें, लोगों की परेशानी को हल करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि अपनी रोटी को सही करने के लिए और अपनी जेब गर्म करने के लिए किसी के हक को छीनकर आप हमेशा बदलते रहें, कभी इधर कभी उधर। इसलिए अब हम लोगों ने ये ठान लिया, घोसी की जनता ने ये ठान लिया है, ये एकदम तहैया कर लिया कि अब की हमको अगर चुनना है तो हम अपने एक भाई को, करीबी भाई को चुनेंगे। हमारा भाई कौन वो सबको पता है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसको वोट दिया मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब जनता का है यह चुनाव, किसी सत्ता दल पारी का नहीं है, यानी किसी सत्ता का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, यह चुनाव जनता का है। जनता चुनती है, जनता तय करती है, जनता अपना हक देकर और अपने